and any alteration so made shall be as valid as if originally contained in the article and be subject in like manner to alteration by special resolution sir special resolution matlab? uh three-fourth majority seventy-five percent okay अच्छा है इस किस्म के साथ साथ क्वेश्चन किया करें ताकि हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं ये क्लियर है यस yes, सर जब भी अल्टरेशन होगी विद इन थर्टी डेज आपको रजिस्ट्रार के पास उसकी कॉपी जमा करवानी है और अगर कोई क्लास है पर्टिकुलर चेयर ऑफ क्लास आदा है तो थ्री फोर्थ वो सेवेंटी फाइव परसेंट उनकी भी मेजोरिटी होना जरूरी है या मैंने कहा डिफरेंट क्लास के शेयर्स होते हैं। इट शेल बी ओनली इफ मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट थ्री फोर्थ सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ सच अल्ट्रेशन एज केस मे जी सर अगर रजिस्ट्रेशन के वक्त सौ सब्सक्राइबर हों तो क्या लेज़, लेज़। आ, नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता मोस्टली उस फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाता है बाद में, में मेंबर पर ज्वाइन करते रहते हैं कि जो तीन और सात वाली लिमिट दो तीन और सात वाली लिमिट को ज्यादा फोकस किया जाता है रेयर कोई केस है कि ऐसा कोई थाउजेंड वाले हों मेंबर्स बार में मान जाते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन वाले अमूमन जो है वो स्टेचुटरी फोकस किया जाता है अच्छा अब ये थ्री फोर्थ ऑफ मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर सच अल्टरेशन एज द केस में भी अब यहां से और फोकस करना है एक्सरसाइज करने ऑप्शन एक थ्रू वोट पर्सनली या थ्रू प्रॉक्सी पर्सनली या खुद या अपना कोई बंदा अपॉइंट करते हैं प्रॉक्सी इसके लिए बकायदा फॉर्म होता है वोट फॉर सच अल्ट्रेशन और इस अल्ट्रेशन की कॉपी विद इन थर्टी डेज रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होती है आन वर्ल्ड आपका वो जो अल्ट्रेशन वाला आर्टिकल है वो कंसिडर होगा ये बेटा स्कूल से पढ़े और साथ ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये भी अच्छा है पहले ये पढ़े इसको अब आपने ये पढ़ने के बाद यह प्रैक्टिकल क्वेश्चन आठ पढ़ना है और अपना अपना जेन पे क्वेश्चन जो इसका आंसर होना चाहिए